दिस फियर ऑफ लिविंग इन अ कन्फाइंड स्पेस जो मेरे को था शुरू से. मैं अपने घर के अंदर वाले कमरे में नहीं बैठता था कभी, क्योंकि वो बहुत बंद बंद सा लगता था मेरे को. बहुत घुटन घुटन सी लगती थी वहाँ पे, कि यार वहाँ पे रोशनी नहीं है, सनलाइट नहीं है, कुछ नहीं है. खिड़की है बट सनलाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ पे. मैं कभी बैठना नहीं था वहाँ पे, बट इस जगह ने मेरे को वहाँ पे बैठना और इस जगह ने मेरे को सिखा दिया. अभी तक इतनी जल्दी भी मतलब मेरे को सिखा दिया और मैं और भी सीख रहा हूँ कि एक कन्फाइंड स्पेस में रहने का मतलब क्या होता है. और जैसे जैसे सब कुछ छोटा होता रहेगा, वैसे वैसे मुझे पता है ये गेम मुझे इतना सिखा देगा कि मैं जीत जाऊंगा. जब भी मुश्किल की घड़ी आती है अपनों के बारे में सोचना चाहिए हमेशा, और मैं वही करता हूँ. जब भी मुश्किल की घड़ी आती है मैं यही सोचता हूँ, व्हाट इज़ एट स्टेक, व्हाट इज़ ऑन द लाइन, मैं क्या छोड़ के आया हूँ यहाँ पे. अपनी मॉम को अकेला छोड़ के आया हूँ यहाँ पे. मैं इस जगह पे रहना बहुत हिम्मत वाली चीज़ है मेरे लिए, और अगर मैं हार जाऊँगा, हार मान लूँगा, तो मेरे लिए वो सब बेकार है फिर जो मैं करके आया हूँ, जो इतना बड़ा सैक्रीफाइस मैं करके आया हूँ, जो मेरी मॉम मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रीफाइस कर रही हैं. सो शी वुड बी हैप्पी एंड शी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ मी आई एम श्योर, एंड आई एम गोना मेक दिस सैक्रीफाइस वर्थ इट. ये जो सैक्रीफाइस मैं करके आया हूँ, इट्स ऑल गोइंग टू बी वर्थ इट. हम बेसिक You are the meme sub. No, yeah. You be the meme sub. I'll be the biter. You what? I've never seen anyone so excited to not play the meme sub. Okay, no, I love it. Okay, so I'll be the bi who wants to be you. Okay, जो तुम्हारा सब. अच्छा ऐसे करने. Okay, get done. So और तुम हो. जलेबी भाई. रामू काका. ठीक है, रामू काका. बट तुम रामू काका विद बंगलोज एंड वो सब वाले रामू काका हो. ठीक है, सब कुछ रामू काका है. हाँ, तो वही तो हम थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं. अब तुम्हारे पास पूरी रात है, अपने कैरेक्टर पे वर्क करो. आई डोंट नीड टू वर्क ऑन माय कैरेक्टर. हाँ, जो मतलब क्या आपका कैरेक्टर क्या है? आपका क्या है? मैं मेम साहब हूँ. मेम साहब है, तुम रामू काका हो, पर तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम बने हुए इसके लिए ड्राइवर. हीरो नंबर वन वाला गोविंदा. अब मेरे को नहीं पता. ठीक है, तुम इसके लिए ड्राइवर बने हुए. और समझ गया. She's loving the role already. She's like, I'm gonna own it. I am built for this. ठीक है, तो कल हम ये करेंगे. ये सुबह उठने के शुरू हो जाना है. ये देखो, नीचे हम पहले से ही सो रहे हैं. ठीक है, मेरे साथ पहले से ही ऊपर है, हम नीचे हैं. तुम्हारे को तैयार होने के बाद मैडम को गाड़ी में बिठा के जहाँ जहाँ उनको जाना है मॉल जाएंगी शॉपिंग करने. तो मॉल नहीं, घर के बाहर तो फिर मैं रामू काका नहीं होगा ना. अरे कहने का मतलब जब मॉल जाएंगी शॉपिंग जाएंगी तो तब तो मैं ड्राइवर नहीं होगा, तब तो मैं रोज आ जाऊँ ना. आई एम शहजाद. तो तुम्हारा कैरेक्टर फिर वही खत्म. वो घर के अंदर, वो घर के जब आप हो, आप क्या हो? मैं तो बीबी जी की शैडो. ओके, ठीक है ठीक है. तो मेरे को सारा दिन रामू काका बनना है. हां, तुम्हें रामू काका बनना है. अब तुम्हारे को फिट कैसे घुसना है वो तुम्हारे ऊपर है कैरेक्टर में. हां, और तुम्हारा अब ये तो नहीं कि वो बताएगी चलो रामू काका आ जाओ सीन में एक्शन. मेम साहब कितने बजे उठते हैं? और अगर रामू काका चुटकी बैठ गए तो मैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेम साहब गोना वेक अप बिफोर रामू काका एंड द बाई एंड मेक कॉफी फॉर देम. उसने एक भी बार नहीं बोला सर. सर चूचू ने ना, चूचू ने साथ वाली चूचू ने भी कान भरा. सही है, उस मैं बड़ा वो क्या मिला अपना. नहीं नहीं नहीं, हम इनकी बात कर रहे थे. कम से कम सरदार दिखने में अच्छा, और उसको दिखने वाली अच्छी. फिजा ने जाके बोला रहेगा उसको चूचू को कि मस्ती करते मत बोला करो तुम, नाम मत लिया करो उनका, अपना अच्छी बनी रहेगी. हर जगह लड़के फिजा खान के पीछे. मैं ऑलवेज यही बोलती हूँ, अवॉइड इट, दे वांट अटेंशन. उन्हें ना 17 में से 12 लोग बोलेंगे कि तुम 12 में से जो 5 है ना वो तुमको चाहते हैं. मतलब वो 5 के लिए ना अपना कैरेक्टर मेंटेन करके रखने का, बिकॉज जो 12 तुम्हें नहीं चाहते हैं ना वो तुम्हारे बारे में कभी चाह भी नहीं सकते. क्योंकि जो अब तक नहीं जाना वो कल क्या जानेगा. दीज पीपल ना वो टॉक बैड, अरे यू आर दिस यू आर दैट, दे आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ यू नो कॉम्प्लेक्स इश्यू. इसलिए मैं बोलती हूँ तुम कॉम्प्लेक्स होते हो, इसलिए तुम किसी को अटैक करोगे क्योंकि तुमको मालूम है कहीं ना कहीं वो तुमसे बेहतर है. यहाँ पे मैं अच्छी बनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ ये बनने आई हूँ कि मेरे को जो फील हो रहा है मैं बोलूँ तो सही. मैं क्यों स्टैंड अप करके बैठूँ? क्या मैं रोज़ मेकअप लगाऊँ और एक कॉर्नर में हाँ ही? नो, आई एम नॉट दैट.
अभिराज ने बहुत गलत स्टेटमेंट्स बोले थे उस दिन जब, बट क्या होता है ना, अभी रूममेट है इंडियन, अगर मैं उसको तभी गलत बोलूँगी, कुछ लोगों का दिमाग ना घुटने में होता है। तुम उनको बोलो या तुम गलत हो तो वो सडनली डिफेंसिव हो जाएंगे। तो अभिराज को मैंने फिर भी क्यों नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी इंसान है ना बाहर की लाइफ में इतना स्नॉबिश बन जाता है, जो मैं भी थी, वो मैंने एक्सेप्ट किया। ही हैज़ अ सुपर अमेजिंग यू नो रिच लाइफ एंड यू नो ही हैज़ एवरीथिंग। ये पता है कौन करता है, जिसके पास अपने अंदर पर्सनालिटी में कुछ नहीं होता है दिखाने के लिए, वो क्या दिखाएगा पता है, जो बाहर है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक विंडो होता, यू नो आई वुड हैव बीन ओके बिकॉज देयर इज समथिंग वेंटिलेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू। ये बहुत वो है यार, क्लॉस्ट्रोफोबिक। अब ये जगह जितनी जितनी कम होगी ना, होल डे हम बस बैठे ही होंगे एक्सेप्ट फॉर टास्क में बाहर जाना। एंड मोर देन दैट, नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिया ऑल्सो, इट्स नॉट एग्जैक्टली क्लॉस्ट्रोफोबिया, इट इज़ दैट वन डे इन दो 7-8 days वेर यू आर एक्चुअली फीलिंग लाइक जस्ट रनिंग आउट एंड गोइंग टू मॉम। दैट इज़ वॉट वॉज हैपनिंग। इट वॉज नॉट अबाउट मी गोइंग नेगेटिव, इट वॉज जस्ट अबाउट मी फॉलिंग अपार्ट। But then I had this view that I don't have to go anywhere. This is my chance and I have to use it. You look so much better like this. So much better like this. So, पता है मैं बाद में कितना टेंशन में आ गए थे। I get freaked out. I'm telling you, even in these twins, na, they cried. I'm telling you, I can't see people cry. I would have hit them over there and be like, I'm sorry. I'm like that. I can't. Don't cry. And you are a nice person. That hurts even more. Don't cry. तो शादी की बात पक्की करें। इसी खुशी के माहौल में मेकअप किया जाए। बस ऐसे ही रहे यार। Be like this. I am like that. बड़ा खुश है। 24 में से साला 23.5 घंटे की नींद लेके कितना खुश है। नहीं मारा। चेतना, चेतना मुंह मत खोलना और सांस रोक के रखो। अंदर आपकी जान को खतरा है और क्योंकि अंदर एक बॉम्ब फटा है। क्या नहीं आ रही? आपको पता नहीं है यहाँ पे मेरे को आपकी फैमिली ने भेजा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बॉम्ब से। मेरी फैमिली को पता है कि प्रोटेक्ट माय सेल्फ। मैंने एयर फ्रेशनर नहीं मारा। कहाँ एयर फ्रेशनर वाट लखा है ना अंदर ही। वही लेने आया था। ओके एकदम अंदर माहौल अंदर का प्रदूषित प्रदूषित माहौल है अंदर का। जितना इससे पहले आपके फेफड़े सड़े बाहर आ जाओ। आई ओके? प्रदूषित माहौल में आपके फेफड़े नहीं सड़ते? नहीं अभी तक तो नहीं सड़े। ए आई लुक द सेम उठने के बाद भी। नहीं सोने के बाद भी ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये उठती है तो भैंस की कैसे लगता है कि मेकअप करके सुलाया था और मेकअप करके उठा दिया। हम उठते हैं तो ऐसे लगता है आधी कहीं से थूक निकल रही है, कहीं से नाक निकल रही है, आंखों में कुछ जमा है। मैं कितना देर सोया? तू है सोया हुआ 3 घंटा। सोया है कम से कम 3-4 घंटा। 3 घंटा 4 दिन। ये पिछले साल सोया था यहाँ पे, उठा आ जाए इस साल। पानी गिर गया इसको। इसको नींद में ही यहाँ पे ले आए थे शो पे।